आज का ब्लॉग हमारा दोस्तों गंगा जी का दर्शन के साथ स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं हम भागलपुर पहुंच गए हैं। जब बिहार में आया तो लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है। देख सकते हैं यहाँ लिट्टी चोखा है। अभी सिर्फ बाजार ही मिल रहा है दोस्तों, वो भी काफी ज्यादा भीड़ है। इधर बाइक है, जाइए 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 दोस्तों। ये दुमका और भागलपुर का जो रनिंग हम लोग का किलोमीटर का करीब 200 के आसपास पड़ जाता है। देखिए कैसे जाम लगता है। अब देखिए उसमें कितना फिट थे, मस्त एकदम। जवानी में कोई चीज होता है तो जवानी आदमी मेंटेन करके रख सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा दोस्तों गंगा जी का दर्शन के साथ स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग भागलपुर पहुंच गए हैं और यहां पे पूरा गंगा जी है और सारा लोग देखिए नीचे नया ब्रिज बन रहा है तो लोग लग रहा देख रहे हैं बढ़िया से। वो किरान कुछ काम कर रहा नीचे तो उसी को खड़ा हुआ सब देख रहे हैं। यहाँ पे यह ब्रिज भी जरूरी है क्योंकि एक ही ब्रिज था तो एक और ब्रिज बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज तो हमारा खैर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि हमारा सुबह सुबह गंगा जी का दर्शन हो रहा है और अभी हम लोग भागलपुर पहुंचने वाले हैं। तो आज उम्मीद है कि शाम तक या रात तक हम अपना घर तक पहुंच सकते हैं अपने माँ के पास। तो थोड़ा सा रास्ता जरूर खराब मिलेगा हमको लेकिन दिन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रात में अगर कुहासा में दिक्कत होता है, दिन में कोई दिक्कत नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, गंगा नदी पार करते हैं और अभी पहुँचते भागलपुर भी पार करते हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम लोग अभी भागलपुर क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए अभी भागलपुर सिटी तो पीछे रह गया, तो अभी यहाँ से दुमका करीब 100 किलोमीटर के ऊपर है, 100-150 किलोमीटर। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप हमारा दुमका ही रहेगा। तो अभी हम लोग भागलपुर में देखिए ये ले लिए थे नाश्ता, लिट्टी चोखा, तो कहीं अभी गाड़ी रोके आराम से खाएंगे। दोस्तों अभी रोके हैं गाड़ी की जगह, खुला जगह देख कर रोके यहाँ पर। अब जानबे करते हैं कि हर स्टेट का हर शहर का कुछ ना कुछ रेसिपी है जो खाने का फेमस होता है। तो जब बिहार में आया है तो लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है। देख सकते हैं यहाँ लिट्टी चोखा है। देखिए तो दोस्तों बिहार का मशहूर जो लिट्टी चोखा है वही खा रहे हैं आज। दोस्तों बहुत ही अच्छा बना है, सत्तू आटा मतलब आलू बैगन सब चोखाई भी बनता है इसका, चोखाई भी अलग से डाला हुआ है, प्याज वगैरह सब, जो चना का सत्तू डलता है इसमें, इसमें चना सत्तू वगैरह दे करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए तो ये आग में सेक के बनाया जाता है, कोई तेल में तल के नहीं निकाला गया है, आग में सेका हुआ है, इसमें तेल का कोई काम ही नहीं है। दोस्तों नाश्ता तो हो गया अपना, हम लोग निकल गए हैं और रोड आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा सिंगल पड़ रहा है। ये क्या है ना कि 1x रोड बनाया गया है, उधर थोड़ा सा 4 लाइन उधर बना नहीं है पूरा, तो हम लोग एक बाजार भी पड़ता है तो उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ जाम वगैरह लग जाता है, तो उसके लिए आने वाला गाड़ी उधर से जाने वाला इधर से, तो फिर भी ठीक है। इधर चौड़ा रास्ता भी है, सिंगल गाड़ी पार हो जाता है। और इधर आने के बाद एक चीज़ देखने में क्या अच्छा लगता है कि अभी इधर क्या है ना, आने के बाद हर तरफ हरियाली दिख रहा है। देख सकते हैं कि बसंत पंचमी आने वाला है तो उसके लिए सरसों का पेड़, हर जगह खेती है सरसों का खेती हो रहा है, बोला हरा हरा दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों जो हम सुने थे, हम तो अगर नहीं देख पाए वो चीज़, लेकिन हम सुने हैं कि जब गंगा ब्रिज नहीं बना हुआ था तो उस पार से इस पार आने के लिए नाव का इस्तेमाल होता था, चाहे पब्लिक हो या कोई गाड़ी हो बस हो, तो नाव में ही मतलब चढ़ाया जाता था और उस पार गंगा नदी पार करके भी उतारा जाता था। तो उस समय ऐसे ही पार होता था, जब से ब्रिज बन गया तब से गाड़ी बस मोटरसाइकिल सब जो है ब्रिज से चलना चालू हो गया। हम भी पहले सुनते थे कि गंगा ब्रिज बनने वाला है, ये है, लेकिन कभी इस रोड में हम आए नहीं थे। हम लोग निकल जाते थे उधर होकर के, आपको बरौनी होते हुए सिल्लीगुड़ी चले थे बहुत, हम तो बरौनी हो के जाते थे। तो कभी हमको, हम आज जब से ड्राइविंग कर रहे हैं तब से हम कभी ये नहीं किए कि अपना गाड़ी किसी नाव में चढ़ाए, वैसा हमको मौका ही नहीं मिला कि नाव में चढ़ा के पार करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सिंगल रोड है, पार करते हैं फिर मेन रोड पकड़ते हैं अभी। और इधर देखिए कब 12 बज गया कुछ पता ही नहीं चलता है, पूरा धूप उठा ही नहीं है इधर, कब 12 बज गया कब 1 बज गया सिर्फ घड़ी में ही समय पता चलता है, तो बाहर बैठे बैठे आदमी बैठे ही रह जाएगा ऐसे ही। दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम लोग बाराहाट अभी मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सब्जी मार्केट लगा हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, जाइए जाइए जाइए। ये देखिए दोनों तरफ मार्केट है, इधर भी लगा हुआ है और इस साइड भी पूरा लगा हुआ है, सब्जी बेच रहे हैं सभी लोग।
फूलगोभी दिख रहा है, ये देखिए ज्यादातर। अभी भीड़ लगेगा पूरा, अभी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब में थोड़ा देखना पड़ता है साइड में बहुत ज्यादा। अब पता नहीं कहाँ लगाएगा। जय बाइक है, जाइए 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 जाइए। अब स्त्री बाजार ही मिल रहा है दोस्तों, वो भी काफी ज्यादा भीड़ है इधर। ये अभी दूसरा बाजार हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। ये दुमका और भागलपुर का जो रनिंग हम लोग का किलोमीटर का करीब 200 के आसपास पड़ जाता है। देखिए कैसे जाम लगता है, और इसमें फोर लाइन बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि गाड़ी भी बहुत चलता है, गाड़ी से बहुत ज़्यादा चलता है। कलकत्ता जाने वाला, झारखंड जाने वाला, बिहार मतलब उड़ीसा जाने वाला गाड़ी, बहुत गाड़ी मिलेगा आपको इसमें। और छोटा छोटा जो बाजार है दोनों साइड में ना, इसके चलते हम लोग जाम में फंस जाते। देखिए अभी से जाम में खड़े हैं, अब बाजार है तो जाम तो लगना ही है। अब आदमी देख के ही पार करेगा, धीरे धीरे आराम से ही पार करेगा, तो ये सब लेकर के बहुत दिक्कत हो जाता है, समय ज़्यादा लग जाता है। यही फोर लाइन रहता तो अभी तक कब का हम लोग पहुँच गए रहते हैं। फोर लाइन नहीं है, समय लग जा रहा ज़्यादा, गड्ढा गुड्ढी भी, रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक का जो चल रहा है, मतलब रोड पर ही सारा बाजार जो है सब रोड पर ही है, कोई अंदर नहीं है। देखते हैं क्या चीज़ लेकर जाम लगा ये। दोस्तों हम लोग बॉर्डर आ चुके हैं, ये बॉर्डर बिहार का है, यहाँ से बिहार ख़त्म, आगे से झारखंड चालू हो जाता है। बॉर्डर ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब कि अगर कोई विशेष है तो वो जाँच करे वो अलग बात है, नहीं तो गाड़ी है भाई, इंडिया का गाड़ी है। ऐसे भी हम बहुत दिन से सुन रहे हैं कि अब गाड़ी का नंबर जो है, जैसे स्टेट बाय स्टेट अलग अलग है, वो नंबर भी सुनते हैं कि अब चेंज होने वाला है, सब में शायद IN करके आने वाला है पूरा टोटल में, ऐसे हर स्टेट का मालूम चल जाता है कि कौन सा गाड़ी क्या है। तो इस तरह बहुत से पहले हम सुने हैं, अभी तक हम देखे नहीं किसी गाड़ी में, लेकिन सुने कि वो होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग आगे झारखंड में, अब यहाँ से पूरा झारखंड स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुका है, हम लोग आ गए जामतड़ा, वही होटल पे जहाँ खड़ा करते हैं अपना, और मैं ऑटो भी आ गया लेने के लिए। देख सकते हो पहले फ़ोन कर दिए थे हम, ऑटो भी आ गया, अब चलते घर, घर से माँ का फ़ोन भी आ गया तो बोल देते हैं करके आ गए जामतड़ा करके। दोस्तों घर तो आ गए हैं, अभी फ्रेश भी हो लिया, मुँह हाथ धो लिए हैं, और क्या ना कि अभी हमको रामगढ़ में रुकना पड़ेगा, वहाँ पे रामगढ़ पे भी थोड़ा देखना पड़ता है काम के लेके, तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, एक दिन रुकेंगे यहाँ, फिर यहाँ से रामगढ़ जाएंगे, रामगढ़ में एक दिन रुकेंगे फिर निकल जाएंगे हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, रात में भी बहुत रात तक जगह भी थे कल हम लोग, तो जा रहे अभी खाना खा के सोते हैं सीधा। दोस्तों अभी देखिए खाना खाने जा रहे हैं, ये तड़का बना हुआ है घर पे, देखिए तड़का भी कितना गाढ़ा है। दोस्तों आज दोपहर खाना भी नहीं हुआ था हम लोग का, क्योंकि ऐसे भी इधर धूप में निकला, पता नहीं चला कितना बज रहा कितना नहीं, और हम लोग लिट्टी खा ही लिए थे तो उसे ही पेट भर गया था, और घर भी आना था तो जल्दीबाजी में हम लोग रुके भी नहीं जाता उतना, चला है सीधा घर पे अभी। दोस्तों खाना तो हो गया, अब जा रहे सोने की तैयारी में है, देखते गद्दा वो सब मेरा रेडी है, ये रूम मेरे लिए रहता है, मेरा भी देखते पुराना फोटो वगैरह सब मेरे रूम में लगा हुआ है, ये हमारा रूम, हम जब भी आते इसी में सोते। तो ये देखिए वो फोटो में देखिए कितना पतला है, देखिए बीच में मम्मी है और इधर फिर वो बीच में हम है, नीचे वो सौरभ है, शुभम तो अभी नहीं है इसमें, तो अब देखिए उसमें कितना फिट थे, मस्त एकदम। जवानी भी कोई चीज होता है तो जवानी आदमी मेंटेन करके रख सकता है, समय समय की बात है, उसमें तो हम पहचान में नहीं आएंगे फोटो पे। इसमें देख पता नहीं उस साइड में एकदम कोना में देखिए सफेद शर्ट वाला, हाँ व्हाइट शर्ट वाले पीछे वाले, वही उसमें तो पहचान नहीं आएंगे, उस समय मतलब घूमते फिरते रहते ज्यादा ही, हम खेल कूद में ज्यादा ही थे हम। ठीक है दोस्तों जा रहे सोने के लिए, यहाँ काफी ठंडा तो मोटा भजा भी ओढ़ के सोना पड़ता है, मिलते हैं सुबह। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है, और नाश्ता वास्ता करके हम छत पे खड़े हुए देख रहे हैं, यहाँ तो धूप निकला हुआ है, उधर धूप मिला ही नहीं था, यहाँ पर धूप भी मिल रहा है, तो अभी हम लोग 10 बजे निकलने वाला है यहाँ से बाजार। ऐसे आज बुधवार है, तो मेरे घर के पीछे जो बताए थे पिछला ब्लॉग में कि बाजार लगता है, तो आज के दिन भी बाजार लगता है, यहाँ दो दिन लगता है, बुधवार को और एक रविवार को, दो दिन बाजार ही लगता है, तो हम लोग जाने वाले हैं बाजार भी। तो आज सोच रहे हैं कि घर पर है थोड़ा मछली वगैरह भी ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि अच्छा ताज़ा वगैरह बहुत ही तालाब वगैरह बहुत इधर उधर, तो ताज़ा वाला फ्रेश भी मिल जाता है, और वो भी मिलता है जो आंध्रा से आता है वो भी मिलता है, तो जाएंगे बाजार देखते हैं कैसा मिलता है मछली, तो लेके आते हैं, आज मछली बनाने का प्लानिंग है हम लोग का, और उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे हम लोग रामगढ़ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।